आदाब, आप सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद। हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं ये कोई ठीक हालात नहीं हैं, कोई जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी सियासत चमके, वो सियासत में अपना कुछ मकाम बनाए, लेकिन तारीख़ उन्हें माफ़ नहीं करेगी और हिंदुस्तान की आवाम उन्हें माफ़ नहीं करेगी। मज़हबी जो इख्तलाफात जो आवाम में आज़ान के नाम पर, लाउडस्पीकर के नाम पर, या सड़कों पर नमाज अदा करने के नाम पर जो बवाल जो मचाया जा रहा है, उसी को लेकर एक उर्दू की शायरी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि उर्दू के मशहूर शायर असगर निज़ामी साहब की लिखी हुई उन एहसासात और जज्बात की वो अकासी करती है जिसमें हम आम हिंदुस्तानी तो ये सब कुछ नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं चाहते, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं और हम सभी जो बुज़ुर्ग हैं, मज़हब के जो बड़े लोग हैं, हम हर मज़हब के बड़े आदमी का हम एहतराम करते हैं, हम इज़्ज़त करते हैं। हम और आप कभी नहीं चाहते कि झगड़े हो, हम आपस में लड़ भिड़ें, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सब कुछ चाहते हैं। तो ये शायरी के ज़रिए वो पैगाम जो हमारे सब के दिलों में है वो मैं उसको दोहराना चाहता हूँ, वो मोहब्बत का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम जो हम और आप सब सुनना चाहते हैं और वही फ़िज़ा और वही माहौल हम हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं। मैं पढ़ता हूँ अशार। कृष्ण को चाहता हूँ, आशिक़े सुभान हूँ मैं, कृष्ण को चाहता हूँ, आशिक़े सुभान हूँ मैं, सब मुझे कहते हैं हिंदू व मुसलमान हूँ मैं। कृष्ण को चाहता हूँ, आशिक़े सुभान हूँ मैं, सब मुझे कहते हैं हिंदू व मुसलमान हूँ मैं, राम भी कृष्ण भी अहमद भी गुरु नानक भी, राम भी कृष्ण भी अहमद भी गुरु नानक भी, दिल से इन चार बुज़ुर्गों का सनाखान हूँ मैं, दिल से इन चार बुज़ुर्गों का सनाखान हूँ मैं, लब पे हर हर है मेरे दिल में है अल्लाह अल्लाह, लब पे हर हर है मेरे दिल में है अल्लाह अल्लाह, वेद पढ़ लेता हूँ, वेद पढ़ लेता हूँ और हाफिज़े कुरआन हूँ मैं, और हाफिज़े कुरआन हूँ मैं, मेरा मज़हब है यही सबको समझना अपना, मेरा मज़हब है यही सबको समझना अपना, सबसे मिलता हुआ रहता हूँ वो इंसान हूँ मैं, चार दिन जीना है मिलजुल के बसर हो असगर, चार दिन जीना है मिलजुल के बसर हो असगर, अब तो इस जग में कोई रोज़ का मेहमान हूँ मैं, अब तो इस जग में कोई रोज़ का मेहमान हूँ मैं, कृष्ण को चाहता हूँ, कृष्ण को चाहता हूँ, आशिक़े सुबहान हूँ मैं, सब मुझे कहते हैं हिंदू व मुसलमान हूँ मैं, राम भी कृष्ण भी अहमद भी गुरु नानक भी, दिल से इन चार बुज़ुर्गों का सनाखान हूँ मैं, आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है और हिंदुस्तान का भी यही धर्म है कि हिंदुस्तान ने अपने दामन में सभी मज़हब के लोग, सभी रंग के लोग, सभी
उनकी जो मानने की विधाएं हैं, जो पद्धतियां हैं, उन सब को और उनके पहनने ओढ़ने खाने पीने के ढंग को हिंदुस्तान ने सब को अपनाया है, और हम और आपने भी, सब ने भी एक दूसरे को गले इसी बिना पर लगाया है कि आप जिस तरह, आप जिस खुदा को मानते हैं आप उस खुदा को मानो, मैं जिस खुदा को मानता हूँ मुझे अपने खुदा को मानने की आज़ादियाँ हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बिना पर मज़हब को आड़ बनाकर या मज़हब को वो मसला बना रहे हैं कि झगड़े किस तरह हो, हिंदुस्तान का माहौल कैसे बिगड़े। लेकिन हम और आप अगर एक हो जाएं तो ये माहौल बिगड़ नहीं सकता और वो उनकी साजिशें नाकाम होगी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई हैं और हम आपस में भाई भाई रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। हम सब ने हिंदुस्तान को मिलकर सींचा है और हम सभी हिंदुस्तान की उस साख्त को, उस पहचान को बाकी रखेंगे। शुक्रिया।